I welcome you all on my YouTube channel Shubh Online Classes. Today I discuss with you an important chapter from class 11 textbook P.S. Grewal. Name of chapter Depreciation. Start with its meaning. Depreciation is a permanent and continuous diminishing in the quality, quantity or value of an asset. Depreciation is a fall in the book value of tangible fixed assets. Depreciation जिसको हम हिंदी में ह्रास बोलते हैं, किसी भी फिक्स एसेट्स की जो वैल्यू कम होती है उसको डेप्रिसिएशन बोला जाता है। डेप्रिसिएशन निकालने के दो तरीके हैं क्लास 11th लेवल पे। पहला है आपका स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड जिसको बोला जाता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब होता है जो रेट आपने एक बार फॉलो कर लिया वही रेट आपको ईयर वाइज करना है, मतलब जितने भी आगे के ईयर्स आएंगे, जितने इसकी यूज़फुल लाइफ होगी आपकी एसेट की, वो उतने ईयर तक आप सेम रेट पे और सेम अमाउंट के साथ में डेप्रिसिएशन करते चले जाएंगे। सपोज करिए एक मशीनरी की कॉस्ट है 1 लाख रुपए और उस मशीनरी पे जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो है 10% एट द रेट 10%। इसका वैल्यू आएगा 10,000 रुपीज़ और इसकी इस्टीमेटेड लाइफ है 10 साल, तो हर साल आपका डेप्रिसिएशन जो माइनस होगा वो 10,000 रुपीज़ माइनस होता चला जाएगा। दूसरा मेथड है आपका WDV मेथड, इसमें भी सेम रेट है लेकिन यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंजेस क्या है कि फर्स्ट ईयर में जो रेट आएगा डेप्रिसिएशन का वो आएगा 10,000 रुपीज़। अब 1 लाख रुपीज़ में से 10,000 रुपीज़ आप माइनस करेंगे तो 90,000 रुपीज़ आएगा, 90,000 का 10% निकालेंगे तो 9,000 रुपीज़ आएगा सेकेंड ईयर के लिए डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे दोनों में फ़र्क क्या है, इस वाले में आपका 10,000 रुपीज़ ईयरली चल रहा था, हर साल में कोई चेंजेस नहीं था डेप्रिसिएशन में, बट यहाँ पे जो वैल्यू आपकी कम हो के आएगी उस पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। तो दो मेथड मैंने बताया, एक स्ट्रेट लाइन का और एक WDV। तो आज हम पढ़ेंगे अपने लेक्चर में स्ट्रेट लाइन मेथड के क्वेश्चंस, और बुक आपकी टेक्स्ट बुक है TS ग्रवाल की, क्वेश्चन नंबर 1 है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग। परचेज ए सेकेंड हैंड मशीनरी फॉर 96,000 एंड स्पेंड 24,000 ऑन इट्स कार्टेज। रिपेयर एंड इंस्टॉलेशन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ मशीनरी 4 ईयर, एस्टिमेट रेजिडुअल वैल्यू 72,000 रुपीज़। देखिए जो मशीनरी परचेज हुई है वो सेकेंड हैंड मशीनरी थी 96,000 रुपीज़ की, उसके इंस्टॉलेशन पे कंपनी ने 24,000 रुपीज़ खर्च किए हैं। तो जब भी कोई चीज़ आप परचेज करते हैं उसके साथ में जो भी खर्चे होते हैं उसकी कॉस्ट में इंक्लूड हो जाते हैं। 96,000 प्लस 24,000 इज इक्वल टू 1,20,000 रुपीज़, और इसकी रेजिडुअल वैल्यू है कितनी है 72,000 रुपीज़। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। इसके निकालने का एक फार्मूला है कॉस्ट ऑफ मशीनरी जो कि है 1,20,000 माइनस रेजिडुअल वैल्यू 72,000 डिवाइडेड बाई इस्टीमेटेड लाइफ जो कि है 4 ईयर। तो ये हो जाएगा इसका सोल्यूशन करने का तरीका। आइए इसका प्रॉपर सोल्यूशन देख ही लेते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड का चैप्टर नंबर 14 अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन। कॉस्ट ऑफ मशीनरी 1,20,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 72,000 एस्टिमेटेड लाइफ 4 ईयर, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट आएगा 12,000 रुपीज़। अगर आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का फार्मूला है डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो कि आया है 12,000 रुपीज़ डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ मशीनरी जो कि है 1,20,000 इंटू 100 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा परसेंटेज जो कि है 10%। तो 12,000 डिवाइडेड बाई 1,20,000 इंटू 100 इज इक्वल टू 10%। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 है ऑन 1 अप्रैल 2016 एक्स लिमिटेड परचेज ए मशीन कॉस्ट 4 लाख एंड स्पेंड 50,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। तो यहाँ पे जो मशीनरी की कॉस्ट हो जाएगी वो हो जाएगी 4,50,000 रुपीज़। द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीनरी इज 10 ईयर आफ्टर विच इट्स रेजिडुअल वैल्यू विल बी 50,000 ओनली। फाइंड द अमाउंट ऑफ एनुअल डिप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू द फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड एंड प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 3 ईयर द बुक वैल्यू क्लोज 31st मार्च एवरी ईयर। तो यहाँ पे भी आपको कैलकुलेट करने का तरीका क्या निकलेगा, जो भी मशीनरी की वैल्यू है जो कि है 4 लाख प्लस 50,000 रुपीज़ का स्पेंडिंग हुआ है उसमें और इस्टीमेटेड लाइफ है 10 साल की। तो यहाँ पे 4 लाख प्लस 50,000 माइनस 50,000 के, क्योंकि इसकी जो रेजिडुअल वैल्यू है जो इसकी स्क्रैप वैल्यू है वो है 50,000 रुपीज़। तो 4 लाख प्लस 50,000 माइनस 50,000 इज इक्वल टू आएगा 4 लाख रुपीज़, और एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है इसकी 10 साल। तो
तो वैल्यू निकल के आएगी 40,000 रुपये। तो डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 40,000 रुपये। हमें कैलकुलेट करना है कितने साल? 3 साल। ये इसका सलूशन देख लेते हैं। तो बैंक अकाउंट 1 अप्रैल का, यहाँ पे डेट का बहुत बड़ा मैटर करता है और ये इसका प्रॉपर लुक है। 1 अप्रैल को टू बैंक अकाउंट में 4 लाख रुपए की मशीनरी हमने परचेज़ की है और उसी डेट को हमने इरेक्शन करवाया था, कुछ उसमें जो भी मेंटेनेंस का खर्चा करवाया था, तो टोटल जो चार्जेस था वो था 4,50,000 रुपये। इस 4,50,000 रुपये जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 31 मार्च को लगेगा नेक्स्ट ईयर के, क्योंकि हमारे अकाउंटिंग ईयर जो चलता है वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च चलता है। डेप्रिसिएशन अभी हमने कैलकुलेट किया था, 40,000 रुपीज़ आया था। अब इधर की जो टोटल वैल्यू है 4,50,000 रुपीज़ में से इस 40,000 को माइनस करेंगे, डिफरेंस अमाउंट आएगा 4,10,000, जो कि क्लोजिंग बैलेंस होगा इस साल का। और इसकी ओपनिंग करेंगे हम इस तरफ टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करके, और डेट होगी हमारी 1 अप्रैल की 4,10,000 रुपीज़ से। और इसका डेप्रिसिएशन 2018 के 31 मार्च को चार्ज किया जाएगा, जो हो जाएगा 40,000 रुपीज़, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड का सवाल हम कर रहे हैं। 4,10,000 रुपीज़ में से 40,000 को माइनस करेंगे तो डिफरेंस अमाउंट आएगा 3,70,000, जो कि क्लोजिंग बैलेंस होगा 2018 का। नेक्स्ट है 2018 का जो इधर का क्लोजिंग बैलेंस था वो यहाँ का ओपनिंग बैलेंस होगा 1 अप्रैल का, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन के साथ में, और बाई डेप्रिसिएशन आएगा 40,000 रुपीज़ की, जो कि 31 मार्च 2019 में चार्ज किया जाएगा। ओवरऑल वैल्यू 3,70,000 रुपये है, इसमें से आप 40,000 रुपये माइनस करेंगे, डिफरेंस अमाउंट आएगा 3,30,000 रुपीज़, जो कि आपका आंसर हो जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 2019 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन 1 अप्रैल 2015 फर्नीचर कॉस्टिंग 55,000 वॉज परचेज, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इट्स लाइफ इज 10 ईयर, एट द एंड ऑफ विच इट विल बी सोल्ड फॉर 5,000, एडिशन आर मेड ऑन 1 अप्रैल 2016 एंड 1 अक्टूबर 2018 टू बी वैल्यू ऑफ 9,500 एंड 8,400, रेजिडुअल वैल्यू 500 एंड 400 रिस्पेक्टिवली। सो द फर्नीचर अकाउंट फॉर द 1st 4 ईयर इट इफ डेप्रिसिएशन इज रिटन ऑफ अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड। तो यहाँ पे सारी चीज़ें गिवन हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है, बैंक अकाउंट में कितना आएगा? 55,000 रुपये आएगा आपका, जो आपने मशीनरी परचेज़ की है, और एस्टिमेटेड लाइफ है 10 साल की, और ये मशीनरी जो है 10 साल के बाद बिक भी रही है, बिक रही है 5,000 रुपये में। एडिशन मेड 1 अप्रैल 2016 और 1 अक्टूबर 2018 को, दो और मशीनरी बीच में आ रही हैं, पहली वाली है 9,500 की और दूसरी वाली है 8,400 रुपये की। तो इसका आइए प्रॉपर सोल्यूशन हम देखते हैं, वहाँ से आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। टू बैंक अकाउंट 1 अप्रैल 2015 का है, जो कि है 55,000 रुपीज़ का, और इस पर डेप्रिसिएशन जो चार्ज होगा वो चार्ज होगा 5,000 रुपीज़ का, और बैलेंसिंग अमाउंट आएगा कितना? 50,000 रुपीज़ का। इस वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू को माइनस करेंगे तो डिफरेंस अमाउंट आएगा, और ये क्लोजिंग है 2016 का, जो कि ओपनिंग हो जाएगा 2016 का। यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, और ये आपकी पहली मशीनरी है, यानी पहला आपका जो भी फर्नीचर है। नेक्स्ट है 1 अप्रैल को एक दूसरी मशीनरी आई है 9,500 रुपीज़ की, बाई डेप्रिसिएशन इस पे लगा है, पहले वाले पे 5,000 है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, दूसरे वाले पे 900 है, तो टोटल 5,900 का डेप्रिसिएशन लग जाएगा। और 31 मार्च को जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो कैसे निकलेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। 50,000 रुपीज़ है, उसमें से ये 5,000 माइनस होगा, तो ये डिफरेंस अमाउंट आएगा 45,000 रुपीज़। 9,500 है, इसमें से ये 900 माइनस होगा, तो ये डिफरेंस अमाउंट आएगा 8,600। इन दोनों की टोटल जो वैल्यू होगी उसको रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे, और इसका जो वैल्यू है टोटल आएगा 59,500 बोथ साइड। नेक्स्ट ईयर के लिए ये आपका ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, और यहाँ से आएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, और ये फर्नीचर 1 एंड फर्नीचर 2 जिनकी वैल्यू है 45,000 और 8,600, टोटल है 53,600। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2018 में इन पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 5,000 रुपीज़ और 900 रुपीज़, जो कि है 5,900 रुपीज़। डिफरेंस अमाउंट की बात करें तो यहाँ भी सेम चीज़ें होंगी, 45,000 में से 5,000 माइनस करेंगे तो 40,000 आएगा, 8,600 में 900 माइनस करेंगे तो 7,700 आएगा। ओवरऑल इसका बैलेंस करेंगे 47,700, जो कि बोथ साइड का बैलेंस हमारा मैच करना चाहिए, तो 53,600 जो कि हमारा बैलेंसिंग अमाउंट है। 2018 के लिए जो पिछले साल का क्लोजिंग था, यानी 2018 का 31 मार्च का जो क्लोजिंग बैलेंस था, वो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा,
और इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। इसी साल देखिए 1 अक्टूबर को भी एक मशीनरी आई है, एक फर्नीचर आया है जो कि 8,400 रुपये का था, तो इस पर भी डेप्रिसिएशन चार्ज होना है जो कि 6 महीने का चार्ज होगा। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन इसका फुल ईयर का 5,000 रुपीज़ था जो हमको पता है, सेकेंड वाले पे 900 है जो हमको पता है, और थर्ड वाले पे 6 मंथ का चार्ज होगा जो अमाउंट है 400 का। तो टोटल 6,300 रुपये हो जाएंगे। और बैलेंसिंग अमाउंट की अगर बात करें तो बैलेंसिंग अमाउंट कुछ इस तरीके से निकलेगा, 40,000 - 5,000 इज इक्वल टू 35,000, 7,700 - 900 इज इक्वल टू 6,800, 8,400 - 400 इज इक्वल टू 8,000। तो ओवरऑल बैलेंसिंग करेंगे इसकी तो अमाउंट आएगी 49,800 रुपीज़, और लास्ट में जो टोटल होगा 56,100 जो कि बोथ साइड का बैलेंसिंग अमाउंट हो जाएगा। यहाँ पे दिख नहीं रहा है, आप लोग समझ लीजिएगा 56,100 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ ए कंसर्न प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2019, 1 अप्रैल 2018 परचेज ए सेकेंड हैंड मशीनरी फॉर 40,000 रुपीज़, 1 अप्रैल 2018 स्पेंड 10,000 ऑन रिपेयर फॉर मेकिंग इट सर्विसेबल। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए एक मशीनरी जो सेकंड हैंड थी 40,000 रुपये की थी, उस पर 10,000 रुपये स्पेंड किया गया, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 50,000 रुपये की। उसके बाद है 30 सितंबर को मशीनरी एडिशन न्यू मशीनरी फॉर 20,000, एक नई मशीनरी परचेज की गई जो कि 20,000 रुपीज़ की है, और 31 दिसंबर 2018 को उस पर रिपेयर के खर्चे हुए हैं 3,000 रुपये के। अब यहाँ पे देखिए समझने वाला बात क्या है कि जो मशीनरी परचेज हुई है वो 30 सितंबर को हुई थी जो कि 20,000 रुपीज़ की है, इस पर जो एडिशन चार्जेस हो रहे हैं वो हो रहे हैं 31 दिसंबर को, तो ये आपका अलग तरीके का एक्सपेंसेस हो जाएगा, वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जिस समय हम मशीनरी खरीदते हैं अगर उस समय हमने कोई उस पर एडिशनल खर्चे किए हैं तब उसकी कॉस्ट में जुड़ते हैं, अदरवाइज वो नहीं जुड़ते हैं। तो इसका सलूशन है तो बैंक अकाउंट मशीनरी है हमारी 50,000 की जो कि 1 अप्रैल को आई थी, और इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 10% के रेट से जो आएगा 5,000 रुपीज़। दूसरी मशीनरी है 30 सितंबर को आई है, और इस पर जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 6 मंथ का लगेगा, तो इसके फुल ईयर का डेप्रिसिएशन अगर हम चार्ज करेंगे तो 20,000 का 10% अगर निकालेंगे तो आएगा 2,000 रुपये, और 6 मंथ के लिए हमें कैलकुलेट करना है तो वो 2,000 रुपये हमारे आधे हो जाएंगे, मतलब 1,000 रुपये हो जाएगा। तो मशीनरी 2 पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो होगा 1,000, तो टोटल डेप्रिसिएशन आएगा 6,000 रुपीज़ का। और बैलेंसिंग अमाउंट की बात करें तो 50,000 में 5,000 माइनस करेंगे तो 45,000 आ जाएगा, और 20,000 में 1,000 माइनस करेंगे तो 19,000 आ जाएगा, तो ये इसका जो टोटल करेंगे वो आएगा 64,000 रुपीज़। ये हमारे क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एन एसेट वॉज परचेज फॉर 10,500 ऑन 1 अप्रैल 2019, द स्क्रैप वैल्यू वॉज एस्टिमेटेड टू बी 500 एट द एंड ऑफ 10 ईयर, स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन वॉज यूज, द अकाउंटिंग ईयर एंड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, द एसेट वॉज सोल्ड फॉर 600 ऑन 31 मार्च 2019, कैलकुलेट द फॉलोइंग डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013, द नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट ऑन 31 मार्च 2017, द गेन और लॉस ऑन एसेट ऑन 31 मार्च 2019। तो ये सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू। तो आइए इसका सलूशन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक बात आप क्लियर समझ लीजिएगा, जो हमारी वैल्यू है वो है 10,500 का, उसमें स्क्रैप वैल्यू को माइनस करेंगे तो आएगा 10,000 रुपीज़। 10,000 रुपीज़ में से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है 10 से, तो अमाउंट आएगा 1,000 जो कि डेप्रिसिएशन का रेट हो जाएगा। तो ये एक बात आपको क्लियर हो जाती है। एसेट बिक रही है कितने की, 600 की, जो कि 10 साल बाद बिक रही है, तब का मैटर तब देखते हैं। अभी सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। टू बैंक अकाउंट 10,500 रुपीज़, जिसमें डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है 1,000 जो अभी हमने कैलकुलेट किया था, बैलेंसिंग अमाउंट हो जाएगा 9,500 जो कि क्लोजिंग बैलेंस होगा 2013 का, और ये आपका ओपनिंग बैलेंस कहलाएगा 2013 के 1 अप्रैल का। इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 2014 के 31 मार्च को 1,000 रुपीज़ को, और बैलेंसिंग अमाउंट हो जाएगा 31 मार्च 2014 का 8,500 रुपीज़। इस बैलेंस को हम यहाँ पे ले आएंगे ओपनिंग बैलेंस बना के 2014 का 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और 2015 के 31 मार्च को हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 1,000 जो हमने कैलकुलेट किया था, क्लोजिंग बैलेंस जो कि डिफरेंस अमाउंट होगा 8,500 से
वो आएगा 7,500 रुपीज़ का। नेक्स्ट ईयर की बात करें 2015 में, तो ये वाला अमाउंट हमारा ओपनिंग बैलेंस कहलाएगा और इस पर डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2016 के लिए चार्ज करेंगे 1,000 रुपीज़, जो कि डिफरेंस अमाउंट यहाँ पे निकालेंगे बैलेंस कैरीड डाउन के लिए, वो हो जाएगा 6,500 में से। तो ये जो बैलेंस है ये आपका ओपनिंग बैलेंस कहलाएगा 2016 फर्स्ट अप्रैल के लिए 6,500, और इसमें से डेप्रिसिएशन 2017 को चार्ज होगा 1,000 रुपीज़, तो डिफरेंस अमाउंट आएगा 5,500 रुपीज़। नेक्स्ट ईयर की बात करें तो ये जो आपका 2017 का क्लोजिंग बैलेंस था 5,500 रुपये, इसको ओपनिंग बैलेंस बनाएंगे 2017 का फर्स्ट अप्रैल का, और इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 1,000 रुपीज़, डिफरेंस अमाउंट आएगा 4,500 रुपीज़, जो कि क्लोजिंग बैलेंस होगा 2018 का। इसकी ओपनिंग करेंगे 2018 के फर्स्ट अप्रैल को, और इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 1,000 रुपीज़ की। यही वाली मशीनरी कितने में बिक रही है? 600 में बिक रही है। देखिए, जो वैल्यू जिसकी जिस मशीनरी की वैल्यू 4,500 रुपये है, उसमें 1,000 का डेप्रिसिएशन लग गया और 600 रुपये में बिक गई, मतलब 1,600 रुपये माइनस हो गए, तो डिफरेंस अमाउंट कितना बचा? 2,900 रुपीज़, जो कि बिजनेस का लॉस होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको ट्रांसफ़र करेंगे, जो कि लॉस है बिजनेस का 2,900 रुपीज़, ओवरऑल बैलेंसिंग है 4,500 रुपीज़। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ऑन 1 अप्रैल 2015 ए लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर 2,40,000 एंड स्पेंड 10,000 ऑन इट्स इरेक्शन। ऑन 1 अक्टूबर 2015 एन एडिशनल मशीनरी कॉस्टिंग 1 लाख वॉज परचेज। ऑन 1 अक्टूबर 2017 ए मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल 2015 वॉज सोल्ड फॉर 1,43,000 एंड द सेम डेट ए न्यू मशीनरी वॉज परचेज एट ए कॉस्ट ऑफ 2 लाख रुपीज़। शो द मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 4 फाइनेंशियल ईयर आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट 5% बाई स्ट्रेट लाइन मेथड। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको रेट दिया गया है, तो कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। कैलकुलेशन करने के लिए हम करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले समझ लेते हैं, मशीनरी है 2,40,000 की और इस पर 10,000 रुपये खर्च हुआ है, मतलब ये जो आएगा जुड़, तो अमाउंट हो जाएगा 2,50,000 रुपये। एक दूसरी मशीनरी जो कि 1 अक्टूबर 2015 को आई थी, उसकी वैल्यू है 1 लाख रुपीज़। तो ये 1 लाख रुपीज़ की एक एडिशनल मशीनरी आई है। अब बात करते हैं जो घटना हुई है 1 अक्टूबर 2017 को। यहाँ पे जो पहली वाली मशीनरी थी जिसकी कॉस्ट कितनी थी? 2,50,000 रुपये, उसको 1,43,000 यानी 1,43,000 रुपीज़ में बेचा जा रहा है, और सेम डेट पे एक नई मशीनरी आ रही है 2 लाख रुपीज़ की। तो यहाँ पे 3 मशीनरी आ रही है और एक मशीनरी बिक रही है, ये है इसका ओवरऑल कॉन्सेप्ट। सोल्यूशन देख लेते हैं इसका। तो बैंक अकाउंट मशीनरी 1 जो कि है अप्रैल 2015 का 2,50,000, और उसी साल 1 अक्टूबर को एक नई मशीनरी आती है 1 लाख रुपए की, तो जो इस वाली मशीनरी पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो पूरे साल का चार्ज होगा 5% के रेट से, जो कि 31 मार्च 2016 को चार्ज होना है। दूसरी वाली जो मशीनरी है 1 लाख रुपीज़ की, इस पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो होगा 6 मंथ का 2,500 रुपीज़, ओवरऑल डेप्रिसिएशन आएगा 15,000 रुपये। अब डिफरेंसिंग अमाउंट की बात करते हैं, तो 2,50,000 माइनस 12,500 इज इक्वल टू 2,37,500, 1 लाख माइनस 2,500 इज इक्वल टू 97,500, ओवरऑल डेप्रिसिएशन ओवरऑल बैलेंसिंग अमाउंट आपका आएगा 3,35,000, और यहाँ का टोटल होगा वो दोनों का बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर के लिए अगर हम बात करें 2016 का, तो यहाँ पे जो क्लोजिंग बैलेंस था इसका ओपनिंग बैलेंस कहलाएगा इस तरफ का, और ये 1 अप्रैल की डेट होगी। यहाँ पे जो डेट आएगी वो आएगी 2017 के 31 मार्च को, क्योंकि जो डिप्रिसिएशन चार्ज होता है वो एट द एंड ऑफ द ईयर होता है। डेप्रिसिएशन है 12,500 जो कि फुल ईयर का है, और इस वाले पे मैंने पिछली बार जो डेप्रिसिएशन चार्ज कराया था वो था 2,500 रुपये, लेकिन यहाँ पे आएगा आपका 5,000 रुपीज़, क्योंकि ये फुल ईयर पे लगेगा। 1 लाख का 5% आप निकालेंगे तो ये 5,000 आएगा। टोटल वैल्यू आएगी 17,500 रुपये, और यहाँ पे डिफरेंस अमाउंट की बात करें अगर, तो डिफरेंस अमाउंट 2,37,500 माइनस 12,500 इज इक्वल टू 2,25,000 रुपीज़, और 97,500 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 92,500, और टोटल इसका जो वैल्यू आएगा 3,17,500 रुपये, जो ओपनिंग होगा नेक्स्ट ईयर के लिए। तो नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग की बात करें 2017 की, तो यहाँ का बैलेंस आया मशीनरी 1 और 2 का 3,17,500, 3,17,500, जो कि 2017 के ही 1 अक्टूबर को फर्स्ट वाली मशीनरी हमारी बिक रही है, तो इस पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो होगा 6,250 रुपये। फुल ईयर का कितना आता था? 12,500 रुपये, और यहाँ पे आएगा 6,250। 6 मंथ का हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, और ये मशीनरी सोल्ड हो रही है 1,43,000 रुपीज़ में,
किस डेट में? 1 अक्टूबर 2017 को। और इसी डेट में जो मशीनरी की वैल्यू हमारी 2,25,000 रुपये थी, इस मशीनरी पर डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ 6,250, जो हम करेंगे माइनस, और इसी से ये सोल्ड वाला अमाउंट भी माइनस करेंगे, तो जो डिफरेंस अमाउंट आएगा वो कहलाएगा हमारा लॉस। 75,750 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा, जो कि हमारे एक आंसर आ जाएगा। अब बात करें बैलेंसिंग अमाउंट की, तो फर्स्ट वाली मशीनरी का पूरा खेल यहीं पे ख़त्म हो गया है, और एक तीसरी मशीनरी 1 जुलाई को आती है 2017 में, जो अमाउंटिंग है 2 लाख रुपए से। तो यहाँ डेप्रिसिएशन की बात करें, तो ये वाली जो मशीनरी है इसका जो डेप्रिसिएशन है वो है 5,000 रुपीज़, तो इसमें से माइनस करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा। बैलेंसिंग की बात करें, तो ये वाला जो था मशीनरी हमारा, इसका तो यहाँ पे राइट ऑफ हो चुका है पूरा, और सेकंड वाली जो मशीनरी थी इसमें से अमाउंट माइनस करेंगे 5,000 रुपीज़ का, जो आएगा 87,500 रुपीज़। और जो थर्ड मशीनरी आई है 2 लाख रुपए की, इसमें से 5,000 रुपीज़ माइनस करेंगे तो 1,95,000 रुपीज़ का आ जाएगा। ओवरऑल बैलेंसिंग की बात करें, तो यहाँ पे आएगा 2,82,500, जो कि क्लोजिंग बैलेंस है 31 मार्च का। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आएगा 2018 का 1 अप्रैल का, सेकंड मशीनरी और थर्ड मशीनरी का, जो अमाउंट है 87,500 और 1,95,000 रुपीज़, टोटल है 2,82,500 रुपीज़ का। यहाँ डेप्रिसिएशन जो चार्ज करेंगे 2019 31 मार्च का बाई डेप्रिसिएशन 5,000 रुपीज़ करेंगे मशीनरी टू का, और मशीनरी थर्ड का जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो होगा 10,000 रुपीज़, और टोटल हो जाएगा 15,000 रुपीज़ का। सेकेंड वाली जो हमारी मशीनरी थी उसकी वैल्यू थी 1 अप्रैल 2018 को 87,500, उसमें से 5,000 रुपीज़ माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग अमाउंट आएगा 82,500 रुपीज़। और थर्ड मशीनरी जिसकी वैल्यू है 1,95,000 रुपीज़, उसमें से ये फुल ईयर का जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है वो है 10,000 रुपीज़, ये अमाउंट माइनस होगी 1,85,000 रुपीज़ आएगा। ओवरऑल क्लोजिंग बैलेंस की बात करें, जो कि 31 मार्च का हमारा है, वो है 2,67,500 रुपीज़, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। टोटल ओवरऑल बैलेंस 2,82,500, 2,82,500 बोथ साइड हो जाएगा, डेबिट एंड क्रेडिट साइड में। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए वैन वॉज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2016 फॉर 60,000 एंड 5,000 वॉज स्पेंड ऑन इट्स रिपेयर एंड रजिस्ट्रेशन ऑन 1 अक्टूबर 2017 एंड अदर वैन वॉज परचेज फॉर 70,000 ऑन 1 अप्रैल 2018 द फर्स्ट वैन परचेज ऑन 1 अप्रैल 2016 वॉज सोल्ड फॉर 45,000 रुपीज़ एंड ए न्यू वैन कॉस्टिंग 1,70,000 वॉज परचेज ऑन द सेम डेट सो द वैन अकाउंट फॉर 2016-17 टू 2018-19 ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड इफ़ द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज 10% पर एनम। तो यहाँ पे जो हमारी पहली मशीन है वो 1 अप्रैल 2016 को आई है, जो कि है 60,000 को और 500 रुपीज़ इसमें स्पेंड हुआ है, तो कॉस्ट हो जाएगी 65,000 रुपीज़ की। 1 अक्टूबर 2017 को नेक्स्ट ईयर में एक दूसरी मशीनरी आई है, जो कि है 70,000 रुपीज़ की। पहली वाली जो मशीनरी जो हमने 1 अप्रैल 2016 को परचेज़ की थी, उसको 45,000 रुपीज़ का 1 अप्रैल 2018 में सोल्ड आउट किया गया है। तो यहाँ पे इसका आपको बनाना है वैन अकाउंट। आइए देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। 1 अप्रैल 2016 का जो अमाउंट है बैंक अकाउंट में, फर्स्ट वाला जो हमारा वैन है वो है 65,000 रुपीज़ का, और डेप्रिसिएशन चार्ज होने वाला है इस पर 10%, जो है 6,500 रुपये। डिफरेंस अमाउंट आएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 65,000 रुपीज़, माइनस करेंगे इसमें से तो ये डिफरेंस अमाउंट आएगा 58,500 रुपीज़ का। ये क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आएगा, ओपनिंग बैलेंस 2017 का 1 अप्रैल का, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, फर्स्ट मशीनरी का 58,500, 1 अक्टूबर को एक नई मशीनरी आई है जो है 70,000 रुपये की, और इस पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो 6 मंथ के लिए चार्ज होगा, 10% यहाँ पे आएगा 6,500, और इसका 10% लगेगा 6 मंथ के लिए, तो 3,500 आएगा। 58,500 में से 6,500 रुपीज़ को माइनस करेंगे तो डिफरेंस अमाउंट आएगा 52,000 रुपीज़ का, और 70,000 में से 3,500 माइनस करेंगे तो डिफरेंस अमाउंट आएगा 66,500। टोटल वैल्यू बात करें यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस की, जो आएगी 1,18,500 रुपये की जो क्लोजिंग बैलेंस है, और यहाँ पे आके ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 2018 का, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 52,000 रुपीज़ और 66,500 रुपीज़ का। इसी साल एक नई मशीनरी आती है, जो कि है मशीनरी नंबर 3, यानी वैन 3 है, वैन नंबर 3, जो कि 1,70,000 रुपये की, और 1 अप्रैल की ही जो हमने पहली वाली खरीदी थी उसको हमने सोल्ड कर दिया था कितने रुपए में, 45,000 रुपये में। इसकी वैल्यू थी 52,000 रुपये, 52,000 रुपीज़ का, और 45,000 में हमने इसको सेल आउट किया है, तो डिफरेंस अमाउंट जो आएगा वो है 7,000 रुपये का, जो हमारे बिजनेस का लॉस है, इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस के नाम से।
डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 2019 में मार्च 31 को बाई डेप्रिसिएशन। जो सेकंड वाली मशीन ली थी उस पर 7,000 होगा फुल ईयर का चार्ज, और सेकंड वाला जो 1,70,000 है इसका आप चार्ज करेंगे पूरे साल का 10%, तो 17,000 रुपये का। तो 17 और 7 24,000 रुपये का टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगा। और बैलेंसिंग की बात करें तो यहाँ पे जो डिफरेंस अमाउंट होगा 66,500 रुपीज़ में से 7,000 माइनस करेंगे तो 59,500 रुपीज़ आ जाएगा। और जो थर्ड में हमारी वैन थी 1,70,000, उसमें से 17,000 माइनस करेंगे तो डिफरेंस अमाउंट आएगा 1,53,000 रुपीज़। ओवरऑल टोटल जोड़ लेंगे इनका और बैलेंसिंग अमाउंट आएगा यहाँ पे 2,12,500, जो कि क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और ओवरऑल दोनों तरफ का जो फाइनल बैलेंस होगा वो होगा 2,88,500 रुपीज़। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 7 आज का सोल्यूशन फ्रॉम द चैप्टर डेप्रिसिएशन। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर भी हुआ होगा और वीडियो पसंद भी आएगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिएगा, मैं उसका सोल्यूशन आपको ज़रूर से ज़रूर दूंगा। थैंक यू सो मच।